18 साल 4 महीने 20 दिन की उम्र में वो लौटा है एक्सपायर हुआ है। 5 साल पहले मेरा खास छोटा भाई का भी ऐसी साइलेंट अटैक आया था उसको, तो वो भी 18 साल के ही था उस टाइम पर। हार्ट अटैक आ गई एकदम से, थोड़ा सा आ गया और कोई बीमारी नहीं। लगभग कोवैक्सीन के बाद ही ये शिकायतें हैं, इसके पहले ये शिकायतें नहीं थी युवाओं में। हार्ट अटैक की बीमारी अपना घर बसा चुकी है, ना ही बूढ़ों को छोड़ रही है और ना ही जवानों को। देखा जाए तो पहले लोग कहते थे कि बुजुर्गों को हार्ट अटैक की बीमारी आती थी और उनकी मौतें हो जाती थी, अब तो ऐसा भी हो गया है कि जवान भी इस बीमारी से गुजर रहे हैं। ऐसे कई परिवार भी बर्बाद हो चुके हैं, जो उनके भरण पोषण करने के लिए कोई नहीं रहता है। मेरे की एक बड़े भाई थे, बुआ के लड़के, वो युवा थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र होगी 35-40 साल, और उनको अचानक हार्ट अटैक आया रात में और अस्पताल भी नहीं ले जा पाए। सोच ही रहे थे मतलब गाड़ी की व्यवस्था की, वाहन की व्यवस्था की कि अस्पताल ले जाएं, लेकिन ले जा भी नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब हार्ट अटैक का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि पता चल जाए कि जी आखिर ये दर्द सीने में हुआ तो किस चीज़ का हुआ। 5 साल पहले मेरा खास छोटा भाई का भी ऐसी साइलेंट अटैक आया था उसको, तो वो भी 18 साल के था उस टाइम पर। क्या एज थी 18? उसको क्या हो गया था, कैसे आ गया? उसका तो साइलेंट अटैक आया था उसका, तो वो जिम भी नहीं जाता था एक्चुअली। क्या उसका वेट ज़्यादा था? नहीं नहीं, वो तो काफ़ी उसका वेट भी ज़्यादा नहीं था, 70 कुछ समथिंग था। तो क्या लगता है ये डॉक्टर का क्या कहना है इस पर? डॉक्टर उस टाइम तो ना साइलेंट अटैक ही बताया था, और उसके बाद तो ज़्यादा कुछ ना बात करने का वैसा था, तो यही। तो क्या है ये लाइफ स्टाइल की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, क्या आप तो क्या सोचते हैं? लाइफ स्टाइल ही जो चेंज होती जा रही है अभी, अनहेल्दी सारा कुछ, खाने से लेके सब कुछ, तो मोस्ट रीज़न वही है बेसिकली। ऐसे जगह है कि कोई उसे कछुआ ही नहीं किया भाई, एक लोटा पानी मांगो, एक घूंट पानी का पेट में बस। और कछुआ ही नहीं है। एक घंटा का मौका मिलता तो इलाज करा लेती, थोड़ी तसल्ली हो जाती कि दिखाओ तो है। तसल्ली के से तो कोई की तसल्ली नहीं बन रही कि एक ठगे हम इंजेक्शन लग जाते हो, कछु बोल जाते अपने लड़कन से बिटिया से, कोई से कछु नहीं की पाई। 17 साल 4 महीने 20 दिन की उम्र में वो लौटा एक्सपायर हुआ है। उसका डिसेंट स्कूल में उस दिन पहला दिन था, फर्स्ट डे 9:02 पर वो स्कूल पहुँचा था। 9:53 पर पहला फ़ोन आया था, 9:58 पर दूसरा फ़ोन आया था कि आपका बच्चा सीरियस है, आप तुरंत आ। इससे पहले कभी उसको कुछ भी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो उस दिन भी जिम गया था, सो ऐसे सुबह वो 8:30 जिम से लौटा था, सुबह 6:30 करीब लगभग जिम गया था। जिम में वो पिछले 2.5 महीने से जा रहा था, जिम भी जाता था, नारायणपुरा रोड पे एक जिम है वहाँ जाता था। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, एकदम स्वस्थ रह गया बच्चा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, 90+ उसके मार्क आते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार कौन सी क्लास में था वो? इस बार 12th का पहला दिन था उसका, 11th में भी उसने 90+ मार्क्स लाए थे। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 63% मौतें खराब जीवन शैली का नतीजा हैं। इनमें से 55% लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। GNews.India.com की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के बीच हार्ट अटैक से 1,10,898 लोगों की मौत हुई है, और 2019-2020 और 2021 में तो हार्ट अटैक से 28,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मौतें 45 से 59 साल की उम्र में हुई है। जिला महोबा के ब्लॉक जैतपुर के कस्बा बेलाताल के रहने वाले हर प्रसाद 2 अप्रैल को एक पार्टी में कुल पहाड़ गए हुए थे, जहां शाम 4 बजे के करीब अचानक सीने में दर्द उठने से उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, वह चलते फिरते ही इस दुनिया से चल बसे। बता रहे थे
डॉक्टर क्या बता रहे थे? कह रहे थे हार्ट अटैक आ गई एकदम से, थोड़ा सा आ गया और कोई बीमारी नहीं दिखी। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का। बच्चे हो गए? 13 साल की लड़की है, 8 साल का लड़का। और मजदूरी क्या करते थे? फिल्टर में ही? बस फिल्टर में सप्लाई वाला पानी भर चलाती थी। क्या लड़का चलते फिरते गए, दोस्त जो उनके पार्टी आल्टी थी पता नहीं क्या, उसमें गई थी बोले 1.5 घंटा बस वहाँ से गए, एकदम से दर्द बढ़ गया। अभी कई युवा अभी बेलादाल में एक रेड़ी वाला ठिलिया वाला समोसा वाला युवा लड़का की डेथ हुई है। अभी फिलहाल में 2 दिन हुए हैं, ये गांव पता है रगोली बुजुर्ग, यहां मौत हुई है एक 70 वर्षीय की, कि खाना पीना खाया सब कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये क्या है? ये संसाधनों की कमी है वर्तमान सरकार का, इस ओर ध्यान ना देना ये सबसे बड़ा एक विषय बनता जा रहा है कि इन हार्ट अटैक की मौतों को अगर नहीं रोका गया तो ये विकराल रूप भी ले सकता है। चालीस साल से कम उम्र वालों में हार्ट अटैक के खतरे के जो केसेस हैं उनका नंबर बहुत कम है, रेयरली हम लोग सुनते हैं कि बहुत कम होता है। जनरली इसमें कभी ऐसा हो सकता है, ये हिस्ट्री से ही पता चलेगा आखिर अमुक व्यक्ति को किस वजह से आया। कई बार ऐसा होता है लड़के एक्सरसाइज करते हैं, यंग एज के एक्सरसाइज कर करके स्टेरॉइड का सेवन करने लगते हैं तो वो भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। अब ये भी नहीं पता कि अमुक व्यक्ति जो 40 साल से पहले का है कि उसको साथ में डायबिटीज़ भी है या साथ में कहीं कोई उसके साथ कोई ड्रग एडिक्ट भी ड्रग का एडिक्शन तो नहीं है, उसको पता चला कोई नशा लेता रहता है या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, शुगर भी चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम पहले से चल रही है, इसके साथ भी कई चीज़ें कोरिलेट करती हैं जिसकी वजह से यंग एज में ऐसा हो सकता है। और जो कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, अभी हम लोगों ने कुछ सेलिब्रिटीज़ के केस देखे या इधर उधर कुछ केस देखे जो यंग एज में उनको अटैक आ गया, उसका रीज़न यही रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जर्शन किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन किया और उनकी जो डाइट प्लान होंगे वो ऑब्वियसली हो सकता है। इससे जो हम लोग बता रहे हैं कि जो हम लोग के हिसाब से ठीक ठाक नॉर्मल डाइट होनी चाहिए जिसमें कि कैलोरीज का इंटेक भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, हो सकता है उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी ना हो तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट में अंडर गाइडेंस में चलते रहेंगे तो इन सब चीज़ों के खतरे कम होते हैं जी। और वार्निंग नहीं मिलती है इसीलिए ऐसा होता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा भी समझ में आ गया सिस्टम कि मुझे ब्लड प्रेशर है तो उसको दवा लगातार रहते रहना चाहिए। ज़्यादातर हार्ट अटैक उन्हीं को आता है जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर थोड़ा बहुत रहा है और वो लापरवाही करते हैं। अगर वो लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास बराबर जाते रहें तो ये सब चीज़ों के लक्षण या इस तरह की अटैक वटैक से काफ़ी बचे रहेंगे। लगभग कोवैक्सीन के बाद ही ये शिकायतें, ऐसा क्यों? ये शोध क्यों लगता है आप लोगों को? ये शोध में ये कोवैक्सीन ही के बाद आया, लगभग ये जो अनुमान कह रहा है, इसके पहले ये शिकायतें नहीं थी युवाओं में, बच्चों में ये शिकायतें नहीं थी, ये वैक्सीनेशन के बाद ही आया है। ये चिंता का विषय है, ये चूंकि अकेले भारत का विषय नहीं है, ये पूरे भारत का विषय है कि नवयुवकों में हार्ट अटैक की जो है संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और WHO का ये शोध है कि जब से ये वैक्सीनेशन आया है कोविड वैक्सीनेशन, इसके बाद जो है युवाओं में तादाद बढ़ रही है, 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चों में, जो कि ना के बराबर होता है, होता भी नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।